एक बार की बात है, एक बार एक मालिक ने अपने फार्म में बहुत सारे पेड़ लगा के रखे थे और वो मालिक अपने सारे पेड़ को कटवाना चाहता था और उन लकड़ियों को बेचना चाहता था। उस मालिक ने एक तपास की कि चलो देखते हैं कौन हमें कटियारा मिलता है और जो हमारा पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि पेड़ तो बहुत सारे थे, 1000 से ज़्यादा थे शायद। तो उसने एक कटियारे को बोला और उससे डील की कि हम लोग हमारे फार्म के सभी पेड़ आपको काटने हैं और आपको एक पेड़ काटने के हम लोग 100 रुपीस देंगे। वो कटियारे ने वो बात सुनी और वो कटियारे ने वो हाँ बोल दिया कि चलो हम लोग पेड़ काटेंगे, आप हमें 100 रुपीस देंगे, डील पक्की। और वो कटियारे ने बोला कि मैं कल आऊँगा और कल से हम लोग अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। वो जैसे ही कटियारा दूसरे दिन हुआ और दूसरे दिन वो आया, कटियारे आया और कटियारे ने पहले ही दिन सुबह आया और शाम तक पेड़ काटे। शाम तक उसने काटे काटे पूरे 100 पेड़ काट दिए। जब उसने 100 पेड़ काट दिए तो मालिक बड़े खुश हो गए और मालिक से बोला कि आज मैंने 100 पेड़ काट दिए, लाओ मेरे 100 पेड़ के पैसे। मालिक ने उसे हंसते हंसते पैसे दे दिए और वो वहाँ से कटियारा चला गया। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन कटियारा आया और दूसरे दिन आते ही उसने पेड़ काटने सुबह से शाम तक पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो सुबह से पेड़ काटता रहा था शाम हुई, शाम तक काटे काटते उसने दूसरे दिन 80 पेड़ ही काट पाए। और 80 पेड़ काटने के बाद वो शाम को मालिक के पास गया और मालिक को बोला, मालिक मैंने आज 80 पेड़ काटे, लाओ मेरे 80 पेड़ के पैसे। मालिक ने उसे 80 पेड़ के पैसे दे दिए। वो फिर घर चला गया। तीसरा दिन हुआ और तीसरे दिन फिर वो कटियारा आया और आकर उसने फिर से अपना काम सुबह से स्टार्ट किया। तीसरे दिन आया और तीसरे दिन जैसे ही वो पेड़ काट रहा था, पेड़ काटते काटते सुबह से लेकर शाम तक पेड़ काटे और उसने केवल 60 पेड़ ही काट दिया, ओनली 60। वो शाम को फिर से मालिक के पास गया और मालिक को बोला, मालिक आज मैंने 60 पेड़ काटे, लाओ मेरे 60 पेड़ के पैसे। और उसने वो 60 पेड़ के पैसे लेकर चला गया। चौथे दिन वो आया और पेड़ काटे, इस बार इसने 40 पेड़ से काट लिया। और उसने शाम को जाकर मालिक से बोला कि मालिक आज तो मैं 40 पेड़ ही काट पाया। मालिक ने उसे बोला ओके तेरे पैसे ले ले। तो मालिक को बोला कि मालिक मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने पहले दिन 100 पेड़ काटे, दूसरे दिन 80 काटे, तीसरे दिन 60 काटे, तो आज 40 पे आंकड़ा क्यों आ गया, 40 पे नंबर क्यों आ गया। और कहीं ना कहीं फिर जब उन लोगों का कन्वर्जेशन हुआ तो मालिक ने उसे बोला कि तू रोज आता था, पेड़ काटता था, ओके पहले दिन तूने 100 पेड़ काट लिए, दूसरे दिन 80 और तीसरे दिन 60, चौथे दिन पे तू 40 पे आ गया और तू उससे ज़्यादा नहीं काटता। तुझे पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तू यहाँ से पेड़ काट के जाता था तब तू घर जाके अपनी कुहारी को धार नहीं लगाता था, और ओके और वो अपनी कुहारी को धार नहीं लगा था तो उसे पता चल गया कि अगर मैं अपनी कुहारी को धार नहीं लगाऊंगा तो ज़्यादा पेड़ कैसे कटेंगे। सो एज सिंपल एज यही कहना चाहूँगा कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, अपनी बुद्धि को भी धार लगानी पड़ेगी ना। अगर बुद्धि को धार नहीं लगाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो लड़ोगे कैसे, और लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा। मेरे आज से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हो रहा है। मैं अपना यूट्यूब चैनल पे मेरा फर्स्ट वीडियो और आगे हम लोग सीखेंगे कि क्या है हमारा माइंड, क्या है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, हमारा माइंड क्यों हमें कुछ ना कुछ सिग्नल देता है, हमारा माइंड क्यों हमसे वो काम करवाता है, क्या है हमारा माइंड, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग आज से सीखेंगे। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे वीडियो में आपको डेली सीखना मिलेगा क्या है हमारा माइंड। ओके सुनाओ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।